जी स्टूडेंट्स, असी द डायोफेंटाइन इक्वेशन करते पे हैं नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड लैक्चर ये मैं 13 लेके आया, लैक्चर 13 इस चैप्टर द पार्ट सैकेंड। लैक्चर नंबर 13 इस द डायोफेंटाइन इक्वेशन का पार्ट कह लो, ये लैक्चर पार्ट हैगा सैकेंड। पहले पार्ट च लैक्चर नंबर 12 च मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन दी कि रिजल्ट आ थ्योरम से जो सा आर्टिकल है द डायोफेंटाइन इक्वेशन का की आर्टिकल है वह मैं दसिया। हूँ एक सम सोल्व करवाया इस लैक्चर के, मैं नैक्सट सम करवा जा रहा 1C एक्सरसाइज, सॉरी थर्ड चैप्टर फस्ट क्वेश्चन का सी पार्ट 525x231y = 42। हूँ असी ये क्वेश्चन करांगे की सी पहला स्टेप 525231 दी जी सी डिफाइन करो। तुसी साइड ते करके देख लेनी 21 आनी आ एंड 21 डिवाइड करेगा 42 नू, सो वन इज़ सॉल्वेबल। सो वन इज सॉल्वेबल, ये फस्ट क्वेश्चन की आ सॉल्वेबल आ। सो अगला स्टेप की सी, जिदा मैं जिन्हें मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरा लैक्चर नंबर 12 पिछला जरूर देखे, फिर उन्होंने समझ आना, फिर चंगी तरह समझ आएगा। अगला नैक्सट स्टेप की आ, जे सॉल्वेबल आ जिनी जी सी डी आने डिवाइड कर दो। सो 525x/21 231/21 × y 42/21 जिनी जी सी डी आने की करोगे डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करने तो बाद की मिलेगा 25x, इतने आ जाएगा 11y, इतने आ जाएगा 2। ये साड़ी नवी डायोफेंटाइन इक्वेशन तैयार होगी। यदा असं देवे इक्वेशन नंबर सैकेंड, ए सी फस्ट जिदी जी सी डी सी 21, इन्हों की हूँ जी सी डी 1 आ। असी इनू हूँ असी फरदर सॉल्व करांगे, किवें सॉल्व करना इस थर्ड चैप्टर नू असी करदे पए आ, इनू असी सिक्स चैप्टर च लैके जावांगे। असी एज जिदा असी के थर्ड सिक्स चैप्टर च कीता बिल्कुल उवें करांगे। की स्टैप आ, टेकिंग मॉडुलो 11 दे नाल मॉडुलो लो, दो कोफिशेंट है साढ़े कोल, जो स्मॉलर होएगा उहदे नाल ले करो मॉडुलो। की हो जाएगा 25 नू डिवाइड करो, 25 नू 11 नाल डिवाइड करो, रिमाइंडर आ गया 3। सो ये आ जाएगा 3x, इतने 11 नाल डिवाइड करोगे बिल्कुल 0 आना, ये तो 2 ही रहेगा क्योंकि 11 तो छोटा, डिवाइड करके देख लो। सो मेरे कोल आ गया 3x कोंगूरेंट टू 2 मॉडुलो 11, ये मेरे कोल लीनियर कोंगूरेंस बन गया 3x कोंगूरेंट टू 2 मॉडुलो 11। इनू असी हुण फरदर सॉल्व करांगे, देखांगे कि एक्स की वैल्यू पुट करिए कि इनू सैटिस्फाई हो जाए, कि सैटिस्फाई करता वो असी पर्टिकुलर सोल्यूशन जिहड़े आ वो फाइंड करांगे। तो असी देखते हाँ, बड़े ध्यान नाल समझो, तुसी एक्स नू 1 पुट करके देखो सैटिस्फाई नहीं करता, 2 पुट करके देखो, 3 पुट करके देखो, -1 करके देखो, दैन -2 करके भी देख लो। तो मैं की देख रहा कि एक्स नू -3 पुट कीतिया सैटिस्फाई करता, तुसी एक्स नू साइड ते करके देखो, -3 पुट करोगे तो -9 आना, एक्स नू -3 पुट करो -9 आ गया एंड -9 सैटिस्फाई करता। तुसी कहोगे किवें करदा, तुहानू मैं दस्या होया सिक्स चैप्टर दे विच सॉरी 11 नू इहदे च ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, 11 नू इत्थे भी ऐड कर सकते, माइनस कर सकते हैं, उहदा मीनिंग डिवाइड करना ही हुंदा। तुसी की करो 11 ऐड करो, 11 ऐड करोगे इस स्टैप च की मिलेगा 11 - 9 2, सो 2 इज़ ऑलवेज कोंगूरेंट टू 2, इदां भी कर लो। जां की करो 11 इत्थों माइनस कर दो, 2 नू -11 करोगे की आएगा इत्थे -9, सो -9 कोंगूरेंट टू -9, सो एक्स इज़ इक्वल टू -3 सैटिस्फाई हो रहा। सो एक्स -3 की कर रहा, सैटिस्फाई कर रहा। तुसी डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जां तुसी ऐड जां माइनस करके भी देख सकते हैं कि सैटिस्फाई कर रहा जां नहीं कर रहा। इसी
एक्स की वैल्यू -3 इस बॉक्स च बंद इक्वेशन नंबर सैकेंड नूं असी सॉल्व करते पए हां एक्स -3 मिल गया वो हुण असी इनपुट करांगे ते फर्दर देखते हैं पुट एक्स -3 इन इक्वेशन नंबर सैकेंड 25x प्लस 11 इंटू -3 वाई की वैल्यू सॉरी एक्स सी -3 सॉरी एक्स सी -3 25 इंटू -3 प्लस 11y इज इक्वल टू 2 सिंपलीफाई करिए -75 11y इज इक्वल टू 2 उधर जाके प्लस हो गए सो 11y इज इक्वल टू 77 सो y 11 दे नाल डिवाइड करो y आ गया 7 सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गए सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गए की मिल गए एक्स सी -3 एंड y सी 7 एक्स सी -3 एंड y 7 ए आ पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुण असीं लिखांगे जनरल सॉल्यूशन सो जनरल सॉल्यूशन आर जनरल सॉल्यूशन की आने एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस बी अपॉन डी इन टू सम इंटीजर वाई इज इक्वल टू वाई वन माइनस ए ओवर डी इन टू पी वेयर पी पी बिलोंगस टू सम इंटीजर बी ते डी दी वैल्यू पुट करो एक्स वन -3 बी ओवर डी 11 आ जाएगा डिवाइड करके जब मैं इतों इस इक्वेशन तो भी देख सकता एंड वाई इज वाई वन इज 7 माइनस ए 25 पी वेयर पी बिलोंगस टू इंटीजर मैं फिर रिपीट करदा ए दी वैल्यू 525 आ डी 21 आ 525 नूं 21 दे नाल डिवाइड करो तां की आना 25 आना जे तुसी डिवाइड नहीं करना तो तुसी इत्थों डायरेक्ट देख सकते हैं क्योंकि इन्हां दी जीसीडी डी आ डी दी वैल्यू 1 आ 11 ओवर 1 11 25 ओवर 1 25 ओवर 1 25 इस स्टैप तों भी देखिया जा सकदा इस तरीके दे नाल असी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने आ फॉर एनी इंटीजर हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन नैक्सट क्वेश्चन की आ कि उहदे सिर्फ पॉजिटिव सॉल्यूशन पुछे आ कि जिहड़े पॉजिटिव एक्स ते वाई दीआं वैल्यूज आणगीआं सिर्फ उही असी फाइंड करने आ मैं फिर रिपीट करदा असी चैप्टर 3 स्टार्ट कीता नंबर थ्योरी दा डायोफेंटाइन इक्वेशन ये पार्ट सैकेंड करते पे आपां हुण असी क्वेश्चन करांगे क्वेश्चन नंबर आ जी क्वेश्चन नंबर सैकेंड फाइंड ऑल सॉल्यूशंस इन पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ दीज इक्वेशनस वो असी हुण सॉल्व करन जा रहे हैं सैकेंड क्वेश्चन फाइंड बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है श्योर है कि पेपर च आएगा फाइंड ऑल सॉल्यूशन फाइंड ऑल सॉल्यूशंस इन पॉजिटिव इंटीजर की गल की इतने पॉजिटिव इंटीजर असी लैके आने हैं मैं ये पार्ट करा जा रहा वो कि पार्ट आ वो आज 56x 72y 40 जो इस तरीके सूँ ये मैनशन किया हो पॉजिटिव सॉल्यूशन फाइंड करो उस क्वेश्चन के करना हों पहले तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेने उस तो बाद असी जो आंसर देना वो सिर्फ पॉजिटिव सॉल्यूशन देने वो असी करांगे हाँ जी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड जी सी डी ऑफ 56 एंड 72 तुसी साइड ते इस जी सी डी फाइंड करियो तुसी देखोगे तुहाडी जी सी डी आ जानी 8 आ जाएगी एंड 8 डिवाइड 40 सो 1 इज सॉल्वेबल तुसी कहोगे सर बहुत सिंपल आ मैं कहूँगा बिल्कुल हुण जिनी जी सी डी है उहदे नाल डिवाइड करो 56 ओवर 8
72/8 वाई 40/8 जिस रीन डिवाइड कर दिए 7x 9y इज इक्वल टू 5। ये मेरी सिंपल वाली डायोफेंटाइन इक्वेशन बन गई। यदा मैं दे रहा नंबर सैकेंड, यदा मैं इक्वेशन नंबर सैकेंड दे देता। हाँ जी, हुण जो कोफिशंट्स मुल रहा वो ले लो मोडलो, टेकिंग मोडलो, टेकिंग मोडलो 7 ना मोडलो लोगे ये हो गया 0। 9 नू 7 ना डिवाइड करोगे रिमेंडर 2। 5 नू डिवाइड करोगे 7 दे नाल सेम ही रहेगा वैन डिवाइडेड बाय 7। ये नवी साढ़े कोल लीनियर कॉन्गुरेंस बन गई 5 मोडलो 7। कहने का मीनिंग यह होया कि मैं थर्ड चैप्टर नू 6th चैप्टर चेंज किया। 6th चैप्टर की हैल्प दे नाल मैं ये सॉल्व कर रहा। जे तुसी डायरेक्ट करते हैं जिदा बुक्स विच कीता होया जां तुहानू होर टीचर कराते वो थर्ड चैप्टर की तरह ही कराते हैं तो बहुत एक लंबा प्रोसीजर हो जाता, बहुत टफ प्रोसीजर हो जाता। इस तरीके दे नाल बहुत सिंपल है। ठीक है जी, ये करिए। हुण ये असी देखांगे कि सैटिस्फाई की करता। जे 1 पुट करते हैं नहीं सैटिस्फाई कर रहा, 2 पुट करो नहीं कर रहा, 3 पुट कीतिया भी नहीं कर रहा, 4 पुट कीतिया भी नहीं कर रहा, कुछ नैगेटिव पुट करके देख लो। नैगेटिव -1 पुट कीतिया सैटिस्फाई करता पाया, -y -1 सैटिस्फाई करता पाया, सैटिस्फाई इट। वो किमें इतने आ जाना -1 पुट कीतिया -2। सिंपल मैथड वो कि 7 च डिवाइड करना, 7 ऐड करके देख लो। 7 ऐड करोगे 5 congruent to 5 बिल्कुल सही है। जे तुसी कहो सर असी नहीं प्लस करना, मैं कहूँगा फिर माइनस कर लो। तुसी माइनस करके देख लो 5 चो 7 जिन्हें तुम डिवाइड किया 7 माइनस कर लो, माइनस करोगे बराबर आ जाता। यदा मीनिंग ये होया कि जे तुसी प्लस नहीं करना तो माइनस कर लो, जो भी चाहो कर सकते हैं। जे प्लस माइनस भी नहीं करना चाहते फिर तुसी डिवाइड करके देख सकते हैं। तुसी कहोगे किवें इस तरीके दे नाल, तुसी कहोगे सर -1 ते भेज दिए, -7 हो गए, साइन चेंज करते होने बाद इतने आ गया 5। सो 5 congruent to 5। ये प्रोसीजर बचन दे ली मैं की कहना होना, ऐड कर लो माइनस कर लो, देख लो ऐड कीतिया आंदा बराबर जा माइनस कीतिया आंदा, वो मैथड ज़्यादा बैटर एंड ज़्यादा सिंपल हो जाता डिवाइड करने की बजाय। हुण वाई -1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 च पुट करोगे एक्स भी मिल जाएगा, वो आ जाएंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो पुट वाई -1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सो 7x वाई नू -1 पुट करो, -9 इज इक्वल टू 5। सो 7x इज इक्वल टू 14। सो एक्स की वैल्यू आ गई 2, एक्स आ गया 2 एंड वाई इज -1। सो पर्टिकुलर सोल्यूशन आर की आ गए 2 एंड -1। जनरल सोल्यूशन आर की सी मैथड, एक्स इज इक्वल टू x1 + b/d इंटू सम इंटीजर, y इज इक्वल टू y1 - a/d इंटू सम इंटीजर। वैल्यूज पुट करोगे, मैं इक्वेशन नंबर सेकंड तो पुट करूँगा, x1 दी वैल्यू 2 प्लस बी दी वैल्यू 9, 9 तो 7 दी जीसीडी 1, कहने का मीनिंग है d1 है, 9/1 9। सो y इज इक्वल टू y1 एंड y1 इज -1 a दी वैल्यू 7। सो 7p, ये मेरे को जनरल सोल्यूशन आ गए वेयर p बिलोंग्स टू सम इंटीजर। हुण बट अगे क्वेश्चन की आ कि पॉजिटिव सोल्यूशन फाइंड करने हैं। हुण साडा जो अगला प्रोसीजर आ कि असी पॉजिटिव सोल्यूशन फाइंड करांगे। चलो आप ट्राई करिए कोई यदा पॉजिटिव सोल्यूशन आंदा जां नहीं आता वो असी देखते हैं, वो असी देख रहे हैं कि यदा कोई पॉजिटिव सोल्यूशन आंदा जां नहीं आता।
ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਲੂਸ਼ਨ ਫੋਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਕਸ ਮਸਟ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਡ ਵਾਈ ਆਲਸੋ ਮਸਟ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਪੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਡ -7 ਪੀ ਆਲਸੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ 9 ਪੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ -2 -7 ਪੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਸੋ ਪੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ -2/9 ਪੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1/-7। ਸੋ ਪੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 0.2 ਅਗੇਨ 2 ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਉਣਾ 0.14 ਸਮਥਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -0.14 ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -0.22 ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੈਲੂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। -7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ -0.14 ਤੋਂ ਲੈੱਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈੱਸ ਮੀਨਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੋਮਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਟ ਮਸਟ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ -0.22 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 0 ਲੈ ਲਓ, 1 ਲੈ ਲਓ, 2 ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਲੈੱਸ ਲੈਣੀ ਆ। ਲੈੱਸ ਲੈਣੀ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈੱਸ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ -1 ਚਾਹੇ -2, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੋਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਦੇਖੋ ਨਾ, 0 ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ -1 ਆਉਣਾ। ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੋਮਨ ਇੰਨਾ, 0 ਅਤੇ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਨੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਕੋਈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜੈਡ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸੋ ਦੇਅਰ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਲੂਸ਼ਨ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਸਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ।
हुण मैं इहदा नैक्सट क्वेश्चन करवाउण जा रहा, तुसीं वीडियो नूं रोक रोक के ये सारा प्रोसैस उतार लैणा। उम्मीद है कि समझ आ गई होएगी। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन की आ, नैक्सट क्वेश्चन आ जी सैकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट। ये मैं पहले बी ए पार्ट करवाया, हुण मैं बी पार्ट करवा जा रहा। 7x + 19y 213 इक्वेशन नंबर 1। इस डायोफेंटाइन इक्वेशन नूं सॉल्व करना ते नाल दी नाल असीं इहदे पॉजिटिव सोल्यूशन फाइंड करने आ। ठीक है, की करने असीं? फाइंड पॉजिटिव सोल्यूशन। पहले पार्ट च पॉजिटिव सोल्यूशन फाइंड किए, इहदे च वी असीं की करने आ? पॉजिटिव सोल्यूशन ही फाइंड करांगे। ठीक है जी, पॉजिटिव सोल्यूशन फाइंड करांगे। 7 and 19 GCD 1 एंड 1 इज़ डिवाइजर ऑफ 213, सो इम्पलाइज 1 इज सॉल्वेबल। सो 1 इज सॉल्वेबल। सो 1 इज सॉल्वेबल। सो GCD 1 साढ़ा नैक्सट स्टैप यह हों कि असी जिनी GCD उन्हें डिवाइड करते सी, इस स्टैप सानू डिवाइड करना नहीं पैना। असी हुण की करांगे? टेकिंग मॉडुलो 7, कोफिशंट स्मॉलर या 7, सो टेकिंग मॉडुलो 7, चेंज दिस क्वेश्चन टू लीनियर कोंगूरेंस चैप्टर नंबर 6, उहदे च चेंज करांगे। ये हो गया 0। हाँ जी, 19 नूं 7 दे नाल डिवाइड करो। 19 नूं 7 दे नाल डिवाइड करो, बाकी रह गए 5। 5y बिल्कुल इदां ही 213 नूं तुसीं 7 दे नाल डिवाइड करोगे। तुसीं डिवाइड करोगे तो तुहाडे कोल 3 बचणगे। सो इत्थे आ गया 3 modulo 7। ये असी क्वेश्चन चेंज करके बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन तैयार करता। वो केड़ा? वो क्वेश्चन है जी, वो क्वेश्चन आ 7x 19y। थोड़ा सिंपलीफाई किया तो असी 5y congruent 2 3 modulo 7 ते पहुँच गए। इत्थे पहुँच गए 5y congruent 2 3 modulo 7। हुण असी इहनूं सॉल्व करना तो देखना कि वाई की सैटिस्फाई करदा। वाई नूं 1 पुट करोगे, 5 minus 3 2 पुट करो, 10 चों 3 माइनस किते 7 करता पाया सैटिस्फाई। की करता पाया? y2 सैटिस्फाई करता पाया। कहोगे सर समझ नहीं आई, तो मैं कहूँगा आ समझने की कोशिश करो। जो असी टू पुट करते हैं तो की आता? 10 congruent 2 3। बिल्कुल सही है, क्योंकि जदों 7 डिवाइड करांगे 3 है, बिल्कुल रिमाइंडर 3 है। जां इदां कह लो 7 माइनस कर दो, बिल्कुल ओके। चाहे डिवाइड कर लो, चाहे प्लस जां माइनस करके देख लो। सो y2 सैटिस्फाई कर गया। y2 सैटिस्फाई कर गया। इवें मैं इहनूं बॉक्स च बंद कर लां जिहदे GCD 1 आ। हुण y नूं 2 पुट करो। सो पुट y = 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो की आ जाएगा? 7x + 19 × 2 213, 7x + 38, सो 213 - 38, सो ये तुसीं जदों माइनस करोगे तो तुहाडे कोल आ जाएगा 175। 175/7। सो एक्स मिल गया 20
5. सो मैंने एक्स की वैल्यू मिल गई 25. सो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन मैनू मिल चुका, पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल चुका, पर्टिकुलर सोल्यूशन इज, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया 25, एक्स की वैल्यू 25 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 2, वैल्यू ऑफ वाई इज 2, ये आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन फाइंड करो, जिस चीज़ का बांधने ना इतने डी की वैल्यू बांधने कि आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस बी अपॉन डी इन टू पी। सो एक्स आ गया, एक्स वन की वैल्यू 25, बी ओवर डी 19 पी, डी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 19। हाँ जी, इधर वाई वाई वन माइनस ए अपॉन डी इन टू पी। सो वाई वन इज़ 2 माइनस 7 ओवर 1 7, वेयर पी बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ये आ गया जनरल सोल्यूशन, बट इस क्वेश्चन भी ये कहा गया कि फाइंड विच सोल्यूशन विच इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव सोल्यूशन फाइंड करने हैं, वो देखिए। ये मेरे दो जनरल सोल्यूशन आ गए, हुण मैं इन्हां दे पॉजिटिव सोल्यूशन फाइंड करूँगा फॉर पॉजिटिव सोल्यूशन। की होना चाहिए, एक्स मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 एंड वाई आलसो मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 25 प्लस 19 पी ग्रेटर दैन 0 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज़ 2 माइनस 7 पी इज़ आलसो ग्रेटर दैन 0। 19 पी ग्रेटर दैन माइनस 25 एंड पी ग्रेटर दैन 25 ओवर 19। चेंज इट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन चेंज करो, वन 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 माइनस 1.3 कुछ ऐदा आ जाएगा समथिंग। पी मस्ट बी ग्रेटर दैन माइनस 1.3 माइनस 7 पी ग्रेटर दैन माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 7 इन इनक्वैलिटी चेंज माइनस कैंसल 2 ओवर 7 पी। सो पी मस्ट बी लैस दैन 0. डिवाइड करो 0.28 सॉरी कुछ ऐसा आ गया 0.286 हाँ ठीक है 0.28। हुण असी की कह रहे हैं पी इस तो घट होना चाहिए, इस तो ग्रेटर होना चाहिए, तो असी देखनी है कि पी दियाँ केड़े केड़े इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं वो देखांगे। वेयर पी बिलोंग्स टू इंटीजर, पी ऑलवेज इंटीजर, केड़े केड़े इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं इस रेंज दे विच वो असी हुण देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो केड़े केड़े आणगे, एक रियल लाइन बना के देखो फिर ज़्यादा क्लीयर हुंदा। इत्थे किते तुहाडे कोल माइनस 1 आना, इत्थे किते तुहाडे कोल 0 होएगा, इत्थे मैं कह रहा 0.28, इत्थे किते होएगा 0.28। ये मेरे कोल माइनस 1.3, इत्थे किते माइनस 1 लै लो, ये हो गया माइनस 1.3, 0 माइनस 1 दैन माइनस 1.3। बड़े ध्यान ना समझना, इत्थे मैं कह रहा 0.28 तो लैस, 0.28 तो लैस, लैस मीनस पिछे जा रहे हैं असी इधर नूं। इत्थे असी कह रहे हैं पी ग्रेटर दैन माइनस 1.3 ग्रेटर, इत्थे असी कह रहे हैं ग्रेटर, इत्थे असी की कह रहे हैं ग्रेटर, इस तरीके दे नाल असी कह रहे हैं इदा ग्रेटर, इतों ग्रेटर इतों लैस, ये साडा कॉमन रीज़न आ, ये मेरा की आ, ये मेरा की आ कॉमन रीज़न। इस कॉमन रीज़न च देख लो किड़े किड़े पी दियाँ वैल्यू एग्जिस्ट कर दियाँ, 1 इज़ 0 एंड अदर इज़ माइनस 1, दो पी दियाँ वैल्यू एग्जिस्ट कीतियाँ। सो
एक पी होएगा जीरो, एक पी होएगा माइनस वन, एक होएगा जीरो, एक होएगा माइनस वन। वो असी ये जो बॉक्स बनाए हैं इन असी पुट करांगे ए क्वेश्चन नंबर टू, ए क्वेश्चन नंबर थर्ड। वैन वैन पी जीरो, वैन पी जीरो टू इंप्लाइज, फिर एक्स किन्ना होएगा इक्वेशन नंबर टू च पुट करो 25। वाई किन्ना होएगा पी नू जीरो पुट करो 2 माइनस जीरो 2। ये एक सोल्यूशन आ गया। वैन वैन पी दी वैल्यू तुसी लोगे माइनस वन, इक्वेशन ए हो गया 2 तो ए मिलिया 3 तो। इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज एक्स, इक्वेशन नंबर 2 25 प्लस 19 इंटू माइनस वन कितना हो गया 25 चो 19 माइनस करिए विच इज़ 6। 3 च पुट करो माइनस वन, सो वाई इज़ 2 माइनस 7 पी, 2 माइनस 7 पी एंड पी इज़ माइनस वन, माइनस माइनस प्लस होने करके की आ गया 9, 7 प्लस 2 9। एक सोल्यूशन ये आ गया। हुण तुसीं चैक भी कर सकते हैं जो तुहाडी स्टेटमेंट आ उत्थे एक्स नूं 25 पुट करो वाई नूं 2 पुट करो सैटिस्फाई करेगा, ये एक सोल्यूशन हो गया। इदे तुसीं ये सैकंड सोल्यूशन आ गया एक्स नूं 6 पुट करो वाई नूं 9 पुट करो, दोवें पॉजिटिव आ तो दोवें सैटिस्फाई करते हैं। ये दो सोल्यूशन मिल गए, दोवें पॉजिटिव सोल्यूशन आ। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। तुसीं कहोगे सारे असामी बड़े सौखे आ, असीं तां बड़े मुश्किल वे ना करदे ही। बिल्कुल इदां ही आ, बहुत सिंपल आ इस तरीके दे नाल क्वेश्चन करने। हाँ जी, हुण मैं नैक्सट क्वेश्चन करवाउण जा रहा, बिल्कुल सेम थर्ड दे थर्ड तीन पार्ट ही मैं करवा दिते आ। फस्ट ए हो गया, बी हो गया, हुण मैं सी पार्ट करवाउण जा रहा। फाइंड पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ सैकेंड क्वेश्चन का सी पार्ट, 5x प्लस 14y 620। इस भी की करना फाइंड पॉजिटिव सोल्यूशन, ये डायोफेंटाइन इक्वेशन दे असी की करने हैं पॉजिटिव सोल्यूशन फाइंड करांगे, पॉजिटिव सोल्यूशन फाइंड करांगे। चलो करिए। GCD of 5 and 14 is 1 and 1 is divisor of 620. So this equation first implies, so first is solvable. So first is solvable. Taking modulo 5, smaller than all modulo log, ये हो गया 0. इनू 5 दे नाल मॉडलो लो, रिमाइंडर इज 4। इनू 4 दे नाल मॉडलो लो, सॉरी 5 दे नाल मॉडलो लो, वो आ जाएगा 0 0। 5 दे नाल रिमाइंडर मॉडलो लिया, रिमाइंडर आ गया 0। सो वाई 0 सैटिस्फाई कर गया, सो वाई की कर गया 0 ही सैटिस्फाई कर गया। जे वाई 0 कर गया तो इनू असी हुण पुट करांगे फस्ट विच, इनू फस्ट च पुट करो, ये वाली फस्ट इक्वेशन च पुट करो। सो पुट इन फस्ट, उतों मिल जाएगा एक्स, पुट इन फस्ट 5x प्लस 0 620, सो एक्स 620 बाय 5, वो आ गया एक्स इज इक्वल टू 125। सो पर्टिकुलर सोल्यूशंस आर, पर्टिकुलर सोल्यूशंस आ गए 125 0, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल 125 एंड 0, 125 नहीं 124 सॉरी 124 124 आना 124।
ट्वेंटी हाँ 124। ठीक है जी, नाल नाल उतारे जाना सारे ने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वाई जीरो, सो वाई जीरो नूं पुट कर दो, सो वाई आ गया 124, सो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया 124.0। जनरल सोल्यूशन फाइंड करो, जनरल सोल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस बी अपॉन डी इंटू सम इंटीजर एंड वाई इज वाई वन माइनस ए अपॉन डी इंटू सम इंटीजर। सो एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, एक्स वन इज 124, 124 प्लस बी ओवर डी, डी इज वन, जी सी डी वन, सो 14p कोमा वाई वन इज जीरो माइनस फाइव ओवर वन इज 5p एंड p बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ए मिल गया इक्वेशन नंबर सेकंड, एक मिल गया वाई इक्वेशन नंबर थर्ड। ये सी मेरे जनरल सोल्यूशन जे पुछ लैन, बट इस क्वेश्चन दे विच उन्होंने ये पूछा कि फाइंड पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन, वो असी हुण फाइंड करांगे। फॉर पॉजिटिव सोल्यूशन एक्स मस्ट बी ग्रेटर दैन जीरो, वाई इज आल्सो ग्रेटर दैन जीरो, 124 प्लस 14p ग्रेटर दैन जीरो एंड वैल्यू ऑफ वाई इज माइनस 5p मस्ट बी ग्रेटर दैन जीरो डिवाइड बाय माइनस 5, सो p इज लैस दैन जीरो। सो p 14p ग्रेटर दैन माइनस 124, सो p ग्रेटर दैन 124 डिवाइडेड बाय 14, सो p मस्ट बी ग्रेटर दैन, हुण डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा माइनस 8.8, माइनस 8.8, माइनस 8.8। हम दो वैल्यूज दिया पी दियाँ, आइदर पी लैस दैन जीरो, सॉरी पी लैस दैन जीरो एंड पी ग्रेटर दैन माइनस 8.8। हुण इहदे विच किन्ने इंटीजर लाई करते आ वो असी देखने की कोशिश करांगे। एक इत्थे किते होएगा मेरे कोल जीरो, इत्थे किते माइनस 1 आना, इत्थे किते माइनस 2 आना, माइनस 3 आना, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, माइनस 8, दैन इतने कितने माइनस 8.8। मैं ये कह रहा कि जी एक्स की जी पी की वैल्यू आ माइनस 8.8 तो ग्रेटर लैनी, कहता मीन इस साइड में जाएगी। दूसरी बार मैं कह रहा जीरो तो लैस होनी चाहिए है, जीरो तो लैस। ये कॉमन रीज़न ये वाला, इस कॉमन रीजन च वैल्यू कि लाई कर गई, माइनस 8 ये तो फ्रैक्शन है ना, माइनस 8 क्योंकि इतने कितने माइनस 9 होना, इतने कितने माइनस 9, सो माइनस 9 तो माइनस 8 के कोई इंटीजर आता ही नहीं, सो माइनस 8, माइनस 8, माइनस 7 ये सारिया वैल्यूज आ गई पी दियाँ, जीरो भी जीरो लैस आ, जीरो तो लैस आ, सो जीरो नहीं आएगी। सो पी दियाँ वैल्यूज कि आनियाँ, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7 एंड माइनस 8। ये मेरे को पी दिया वैल्यूज आन गई, जीरो नहीं आनी क्योंकि असी ये कह रहे हैं जीरो तो लैस, पी इज लैस दैन जीरो, जीरो तो लैस लैनिया ना कि जीरो लैनिया। हुण असी वो हुण सोल्यूशन फाइंड करांगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ये टोटल सोल्यूशन 8 आने हैं, 8 पॉजिटिव सोल्यूशन मिलने सानू, एक दो मैं पुट करके दसूँगा, बाकी तुसी आप फाइंड करने। वैन फस्ट सोल्यूशन मैं इतने लिख देना, फस्ट सोल्यूशन, फस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन वैन पी इज माइनस 1, पी नू माइनस 1 पुट करो इक्वेशन नंबर सैकेंड्स की आना 124,
एक्स 124 प्लस 14 पी की वैल्यू माइनस 1 इनू सिंपलीफाई करो। जो 14 माइनस करोगे कि आएगा 14 माइनस करोगे 110 वाई वाई माइनस 5 पी पी दी वैल्यू माइनस 1 सो ए आ गया 5। जो भी स्टेटमेंट आ उहदा ए फस्ट सोल्यूशन आ ए वाला एक्स 110 एंड वाई इज़ 5। तुसी चेक कर लियो ये जरूर सैटिस्फाई करेगा, करना ही पैना, करेगा ही करेगा सैटिस्फाई। इदे वैन पी माइनस 2 सैकेंड पॉजिटिव सोल्यूशन फाइंड करो। वैन पी इज माइनस 2 वैन पी इज माइनस 2 सो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज इक्वेशन नंबर 2 च पुट करो 124 प्लस 14 माइनस 2 एक्स पी नू माइनस 2 पुट किया। मैं पहले ये वैल्यू पुट की हूँ ये वाली कर रहा, सिंपलीफाई करो 124 माइनस 28 माइनस कर दो तो आन गए 196। इदा ही इक्वेशन नंबर 3 वाई माइनस 5 पी माइनस 5 विच पी इज माइनस 2 सो ए आ गया 10। ये हो गया सैकेंड सोल्यूशन एक्स की वैल्यू 196 एंड वाई इज 10 ए भी सैटिस्फाई करूँगा। तुसी पुट करके देख सकते हैं इदे असी बिल्कुल इन द सेम वे असी पी नू माइनस 3 पुट करांगे। वैन पी इज माइनस 3 इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज एक्स 124 प्लस 14 इंटू माइनस 3 124 माइनस 42 ये माइनस करके देख लो कितना आता 82। इदे तुसी थर्ड इक्वेशन पुट करोगे तो वाई की वैल्यू मिल जानी है माइनस 5 पी पी इज़ माइनस 3 विच इज़ 15। ये आ गया थर्ड सोल्यूशन एंड सो ऑन। इस तरीके तुसी जेडे बाकी सोल्यूशन आ वो फाइंड कर सकते हैं, वह तुसी अपने आप करने। मैं एक बार फिर रिपीट करदा, ये मेरे को जनरल सोल्यूशन आया, इन्हां दे मैं पॉजिटिव सोल्यूशन फाइंड करने हैं। जे पॉजिटिव करने हैं तो एक्स मस्ट भी ग्रेटर दैन 0 वाई मस्ट भी ग्रेटर दैन 0। एक्स तो एक पी मिल गई, एक वाई दे तो पी मिल गई, एक पी सी जिहड़ी 0 तो घट सी, एक सी पी जिहड़ी माइनस 8.8 तो ज़्यादा सी, उहदे विच ये वाले पी एग्जिस्ट करते हैं, वो असी वारी वारी सारे पुट करांगे। पहला पी नू माइनस 1 पुट किया इक्वेशन नंबर 2 च भी इक्वेशन नंबर 3 च भी, वो मैनू एक्स ते वाई दियां वैल्यू मिल गई, फस्ट सोल्यूशन आ गया। फिर मैं पी नू माइनस 2 पुट किया ए वाला, वो किया इक्वेशन नंबर 2 ते इक्वेशन नंबर 3 च, ये मैनू सैकेंड सोल्यूशन मिल गया। इदे मैं पी नू माइनस 3 पुट किया तो मैनू थर्ड मिल गया। ये मैं 3 फाइंड करते, ये सारे तुसी आप फाइंड करने हैं। बुक च वो इस ढंग का आंसर नहीं दे रहे, ये समझण दी तुसी थोड़ा देखना। कुछ क्वेश्चन तो उन्होंने इदे दिते होणगे, कुछ विच वो इस तरीके आंसर नहीं देंदे, तुसी सारिआं नूं इस तरीके सॉल्व करना। उम्मीद है कि तुहानूं समझ आ गई होएगी। जे कोई क्वेश्चन ना समझ आवे जां ना सॉल्व होवे, दिते होए इस फोन नंबर ते तुसी मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकदे आ, वट्सएप ते मैसेज भेज दिओ, वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके तुहानूं पिक सेंड कर दूंगा। तुसी इस नंबर ते भी तुसी मैनूं अपनी प्रॉब्लम दस सकदे आ, ठीक है जी, ओके।